गुड मॉर्निंग एवरी वन। आई होप आप घर पे सेफ होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारा मैथ्स का चैप्टर 7 डिवीज़न एक्सरसाइज 7.1 करना है। आप में से कई बच्चों को डिवीज़न आता होगा, अगर नहीं भी आता तो आज हम डिवीज़न करना सीखेंगे कि डिवीज़न को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मैं आपको नाम बता देती हूँ, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और ये क्या होता है हमारा, डिविडेंड। डिविडेंड। और ऊपर जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। क्या करते हैं, कोशेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, कोशेंट। और नीचे जो बचता है इस बॉक्स में वो क्या होता है हमारा, रिमाइंडर। ओके, तो आपको सबसे पहले डिवाइड करने से पहले इनके नाम पता होने चाहिए सारे। ये जो हम डिवाइड बाहर होता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जो अंदर होता है डिविडेंड, और ऊपर जो आंसर आता है वो कोशेंट, और नीचे जो बचता है वो रिमाइंडर। ओके, तो आज हम अपना डिवाइड करते हैं। किस तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइजर क्या है हमारा, 16, और डिविडेंड 5552। तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है और ये देखना है। 16 है, फर्स्ट डिजिट क्या है, 5, तो छोटा है, और 16 बड़ा है, तो 16 के उन्होंने 5 आता ही नहीं है। तो जो भी बाहर डिजिट होगी उसको क्या करना है, हमें उसकी टेबल काउंट करनी है। बाहर कौन सी डिजिट है, 16, मीन्स आपको क्या करना है, 16 की टेबल काउंट करनी है। तो 16 5 से छोटा था इसलिए हम 55 दोनों लेके चलेंगे। अब हमें 16 की टेबल काउंट करनी है, कितने टाइम्स करनी है हमें, 55 तक आने तक। मीन्स कि 16 की टेबल हम काउंट करते जाएंगे, जहाँ पे हमारा 55 आता है वहीं पे हमें रोक देना। अगर 55 16 की टेबल में नहीं आता तो 55 से हमें कम लेना है। किस तरीके से लेना है, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, 16 फोर जा 64। तो 16 थ्री जा क्या करेंगे हम, 48। यहाँ पे क्या, 16 फोर जा क्या हो रहा था, 64 ज़्यादा हो रहा था। 16 फोर जा हमारा क्या होगा, 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 64 ना लेके एक पीछे आ जाएंगे, 16 थ्री जा 48, इसको हम कर देंगे इस तरीके से। हमें 55 से आगे नहीं जाना। 16 थ्री जा टाइम्स ऊपर आया क्या, 48 नीचे। अब क्या करना है, 55 और लाइन खींच देनी है। 55 में से 45 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, ये इससे कैरी ले लेगा, 15 हो गया, और इसके पास क्या बचा, 4। 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7। 4 में से 4 गया 0। एरो लगा के हम क्या करेंगे, 5 उतार लेंगे। तो 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, 16 फोर जा 64, 16 फाइव जा 80। तो 16 फाइव जा 80 जो है वो क्या है हमारा, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमें 75 से कम लेना है। जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या आ गई, 75। तो 16 की टेबल हमें कितने टाइम्स काउंट करनी है, 75 आने तक। तो 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48, 16 फोर जा 64, 16 फाइव जा 80। तो 80 इससे ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम एक पीछे आ जाएंगे, 16 फोर जा 64। तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब हमारे पास क्या है, 16 और 11। तो 16 और 11, 11 क्या है हमारा, छोटा है, 16 बड़ा है, तो ये नहीं जा सकता। फिर हम क्या करेंगे, एरो लगाकर ये 2 यहाँ पर उतार लेंगे इस तरीके से। तो क्या हो गया अब हमारे पास, 112। तो 16 की टेबल अब हमें कितने टाइम्स पढ़नी है, 112 आने तक 16 की टेबल हमें काउंट करते जानी है। तो 16 वन जा 16, और आपको टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको क्या होगा, पहले टेबल लर्न करना है, उसके बाद आपका डिवाइड इजीली आपको हो जाएगा। तो 16 अब क्या है, हमें 16 टेबल कितने टाइम्स करनी है, 112 आने तक। तो 16 फाइव जा क्या था, 18, 16 सिक्स जा क्या था, 96, 16 सेवन जा 112। तो कितने टाइम्स में आता है ये, 112। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारा, 0। ये क्या है हमारा, कोशेंट, डिवाइजर, और ये डिविडेंड। तो आपको नाम भी याद होना चाहिए, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है पूरा सम।
और इसको हम चेक भी कैसे करते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं हम, वेरीफाई। तो क्या करोगे आप, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, इक्वल्स टू डिविडेंड। क्या आएगा, डिविडेंड। अगर आपका डिविडेंड आ गया सेम जो है यहां पर, मींस आपने जो डिवाइड किया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो करते हैं, डिवाइजर क्या था हमारा 16, कोशेंट क्या आया हमारा 347, रिमाइंडर क्या है प्लस 0। तो हमें क्या मालूम करना है, डिविडेंड मालूम करना है। तो 16 को हम 347 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 जा 42, 4 इधर 64 जा 24, 25, 26, 27, 28, 28 का 8 इधर 2 इधर, 63 जा 18, 19, 20। तो आपको इस तरीके से करना है, 1 की टेबल 7 टाइम, 4, 3, 2, 8 और 7 कितने होते हैं 5, 1, 15 का 5 इधर, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 4 और 1, 5 और 5। तो आपका आंसर क्या आया, 5 5 5 2 प्लस 0, तो 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 2 ही रहेगा। तो डिविडेंड क्या हमारा यही था, करेक्ट, मींस हमने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है, ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आंसर क्या आना चाहिए हमारा, डिविडेंड। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस किया, ये हमारा डिविडेंड आ गया। तो ये हमारा डिवाइड जो हमने किया वो बिल्कुल करेक्ट है। एक और करते हैं, अगर डिविडेंड अभी भी समझ में नहीं आया, अब क्या है यहां पे 49, 49 की टेबल तो आपको याद नहीं होगी, तो आप 49 की पहले टेबल लिख लेंगे। किस तरीके से टेबल लिखते हैं, हम मल्टीप्लाई करके इसको टेबल लिख लेंगे तो फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। बिकॉज क्या करना है इसमें, हमें 49 की टेबल काउंट करनी है, टाइम्स ऊपर लिखना है और टाइम्स में जो नंबर आएगा उसको हमें नीचे लिखना है। तो आप टेबल लिख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उसके बाद करते हैं। तो हमारा 49 की टेबल काउंट करनी है, डिवाइजर क्या है 49, डिविडेंड क्या है 606। तो अब हम किससे करेंगे, 60 से लेके करेंगे। तो 49 टू जा कितना होता है 98, तो क्या हो जाएगा 49 वन जा 49 करेंगे वन टाइम में, क्योंकि टू टाइम में क्या हो जा रहा है वो हमारा ज्यादा हो रहा है 98, इसलिए हम वन टाइम में करेंगे। ये क्या हो गया, जीरो में से नाइन तो जाएगा नहीं, इसलिए हम इससे कैरी लेंगे, ये 10 हो गया, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, यहाँ क्या बचा था 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब ये 49 ज्यादा और ये 11 छोटा है, तो ये हो नहीं सकता, फिर क्या करेंगे इसके पास हम 16 उतार लेंगे। तो 49 टू जा 98, 49 थ्री जा कितना होता है 49 थ्री जा 147। आप इस तरीके से मल्टी 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, 49 को 3 से करेंगे 157। इस तरीके से आप इसको टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स में क्या हो रहा है 147 ज्यादा हो रहा है, तो 2 टाइम्स में लेंगे, 2 टाइम्स में क्या है हमारा 98, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 8 तो जा नहीं सकता, ये इससे कैरी ले लेगा 16 हो गया, 16 में से 8 माइनस किया 8 बचा, यहाँ क्या बचा था 0, ये इससे कैरी ले लेगा 10 हो गया, 10 में से 9 माइनस किया 1, अब हमारे पास 18 जो है वो हमारा रिमाइंडर बचा, 18 क्या बचा हमारा रिमाइंडर। इसको चेक करते हैं, सेम डी इंटू क्यू प्लस आर, डी फॉर डिवाइजर, क्यू फॉर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो D क्या हमारा 49 इंटू 12 प्लस 18, देखते हैं हमारा डिविडेंड आ रहा है नहीं आ रहा। 49 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 क्रॉस, 1 9 जा 9 1 4 जा 4 8 9 9 18 1 इधर कैरी 4 और 1 5। तो हमारा आंसर क्या आया 588 प्लस 18। क्या करोगे आप 500, ये सब हमें रफ वर्क में करना है, ये मल्टीप्लाई और ये एडिशन जो भी कर रहे हैं, बट ये सॉल्यूशन हमें डिवीजन के नीचे ही सॉल्यूशन करना है, साइड में स्पेस हो तो। 88 को 18 में प्लस करेंगे, 8 और 8 16 का 1 6, 1 इधर कैरी लगा देंगे, 8 9 10 का 0 1 इधर कैरी लगाएंगे 5 और 6।
तो हमारा डिविडेंड 606 आ गया। मींस हमने जो डिवाइड किया वो बिल्कुल करेक्ट किया है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? डिविडेंड आना चाहिए। हमारा डिविडेंड क्या था? 606 हमारा आंसर आ गया। तो डिवाइड को आपको वेरीफाई भी इस तरीके से करना है। यहाँ दो सम्स मैंने कर दिए, अब आपको होमवर्क में करना है जो मैं दे रही हूँ इधर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, मैं इधर खाली जगह में लिख देती हूँ क्लियरली। अगर आपको टेबल नहीं आती है, साइड में मल्टीप्लाई करके टेबल लिख लेंगे पहले, उसके बाद ये सम सॉल्व करेंगे। आई होप ये डिवीजन आपको समझ में आ गया हो। यहाँ डिवीजन के कुछ सम्स हैं, 5 सवाल है, ये आपको कॉपी में करना है और इसको वेरीफाई भी करना है जिस तरीके से रूल लिख के मैंने बताया था। डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं और ये आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है? इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इसको कंप्लीट करके यहाँ पे हमें लिखना है। एक मिनट रुकना चाहिए। हाँ, ये क्या है, आपको क्या करना है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। 125 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। हम किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 होगा। अब ये क्या है, 427, आंसर हमारा 427, ऐसी कौन सी डिजिट है जो हमारा सेम आंसर आएगा? 1। अगर हम 1 से इस डिजिट को, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम नंबर इधर आएगा। 0 से 429 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 होगा। 47 ones are 47, इधर भी 0 आंसर है। मींस किससे मल्टीप्लाई किया है इसको हमने? 0 से। 263 है, डिवाइड बाय 9 आंसर मींस 0। ओके, इस तरीके से आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब ये क्या है, गिव टू डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। ये क्या है, 6 5 are 30, तो 30 के हमें दो डिवीजन फैक्ट्स बताने हैं कि 30 को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो 30 डिवाइड बाय 5, तो क्या होगा, 5 6 are 30। आप 30 को किससे डिवाइड करेंगे? हम 6 से, तो आंसर क्या होगा हमारा? 5। तो 5 और 6 आ गया, ये हमारे मल्टीप्लाई, इसका हमारा डिवीजन फैक्ट इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। टोटल नंबर क्या है हमारा? 54 डिवाइड बाय 6, तो 6 की टेबल से अगर हम 54 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 9। ओके, अब क्या है, 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 6। 9 6 are 54। अब ये क्या है, 12 6 72, 72 को किससे करना है हमें? 6 से, तो किससे होगा ये, डिवाइड करेंगे हम इसको। 6 1 6, 1 इधर कह रही, 6 2 12, 12 आ गया आंसर हमारा। 72 को आप किससे डिवाइड करना है? 12 से। 12 6 72, इन्हीं डिजिट्स को हमने दो तरीके से डिवाइड करके आंसर इधर शो किया है। टोटल नंबर क्या है, 105 डिवाइड बाई 7, तो इसको हम करेंगे 7 1 7, 7 5 35। हाँ, तो एक 105 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 आंसर आएगा, और 105 को 15 से करेंगे तो 15 7 105। इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज
बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन. ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, नालिनी वांट्स टू बाय 7340 पेंसिल्स. ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें स्टेटमेंट लिखना मस्ट होता है. स्टेटमेंट के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स शुड शी बाय इफ ईच पैकेट कंटेन 5 पेंसिल्स. तो आपको इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, नाली वॉन्ट्स टू बाय इतने पेंसिल्स. तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, 7340 पेंसिल्स. कितनी टोटल पेंसिल है, इतनी. नंबर ऑफ पैकेट कंटेंट्स कितना है, 5. सो आपको क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है. 5 का टेबल वन टाइम पढ़ेंगे, 5 1 5. इधर कैरी लगाया, 5 किया, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 में से 5 माइनस किया, 2. 3 इधर उतारा, आप 23, तो 5 के टेबल में आता नहीं है. फिर 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25. तो 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 5 4 20 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 में से 0 गया 3, ये 4 हम नीचे उतार लेंगे. अब हमारे पास क्या हो गया, 34 को आप करेंगे 5 6 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे. इधर मैं लिख रही हूँ, सब्ट्रैक्ट किया 34 में से, 30 माइनस किया, 4 बचा, और ये 0 हम 4 के पास उतार लेंगे. तो क्या होगा, 5 8 40 क्रॉस, रिमाइंडर हमारा 0 बचा. तो आंसर क्या पूछा है इसने हमें, तो कितने पेंसिल हमारे, ईच का पैकेट कंटेंट्स 20. तो टोटल नंबर आएगा हमारा, टोटल पैकेट्स शी बाय इक्वल्स टू 160 पैकेट्स आंसर. ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. इस तरीके से आपको करना, नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ कंटेंट्स, सो, और ये आपका हैंस, ये आंसर आ गया. इस तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम करनी है. यहाँ मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम है होमवर्क में दे रही हूँ. बी डी ई जी और जे, ये 5 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करना है आज का. आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है. आई होप ये आपको डिवीजन जो मैंने करवाया वो डिवीजन आपको समझ में आया होगा. ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर.